नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप दिवाकर, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें मैं हम जनरल साइंस के बारे में सीख रहे हैं। और जनरल साइंस के आरआरबी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कई सारे पेपर्स पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और उसी कड़ी में आज मैं चंडीगढ़ में 1995 में जो आरआरबी का पेपर आया था और उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे वो डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रबड़ का था कि रबड़ क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? पेड़ों और लताओं के रस, जिसको लेटेक्स बोलते हैं, रबर शीट हिंदी में बोलते हैं, से बनता है। सबसे अधिक रबड़ जो होता है वो हेवेलिया ब्राजीली एसेंस से प्राप्त होता है। ये एक प्रजाति है, इससे रबड़ प्राप्त होता है। यह अमेरिका के अमेजन नदी के जंगलों में उगता था और अब भारत के त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, सलेम, श्रीलंका में भी उगाया जाता है। जो रबड़ होता है वो आइसोप्रोपीन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसका पॉलीमर होता है। तो यही क्वेश्चन था कि ये बहुलक होता है या नहीं होता। तो रबड़ एक बहुलक होता है, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। 5 वर्ष के हो जाने पर पेड़ से लेटेक्स निकलना शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी 40 वर्ष की उम्र नहीं हो जाती जब तक उसमें ये निकलता रहता है। एसिटिलीन गैस का एक क्वेश्चन आया था कि एसिटिलीन गैस का क्या काम में आती है। तो एसिटिलीन गैस हमारे पास वेल्डिंग और कटिंग के यूज़ में आती है, और फलों को पकाने के में भी काम आती है। एसिटिलीन गैस का एक और नाम है एथीन। एथीन जिसका अणुसूत्र C2H2 होता है केमिस्ट्री में, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है, और सबसे सरल एल्कीन होता है क्योंकि इसमें दो ही कार्बन के परमाणु होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।